जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हमारे चैनल में खुश आमदीद नवाज़ एंटरटेनमेंट में। तो आज आपको मैं बहुत ही खूबसूरत घोड़ियाँ, नुकरी घोड़ी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी घोड़ी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। और इनके पास डांस वाली घोड़ियाँ भी हैं, और इनसे पूछेंगे इनकी क्या उम्रें वगैरह क्या हैं, और आपको जानवर भी दिखाते हैं। आइए, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत घोड़ी है ये, पहले इंशाल्लाह चेक करें घोड़ी, उसके बाद फिर मालिक से भी हम बात करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत, ये चेक करें, ये नुकरे रंग की घोड़ी है और ये डांस भी करती है। और माशाल्लाह पाँव वगैरह आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि नाज़रीन ये जो, और आपको बताता हूँ कि ये देसी है, प्योर देसी है। उसकी वजह ये है कि इसका वजूद जो है ना वो बहुत छोटा है, इसकी जो कमर की लेंथ है वो छोटी है, और प्योर देसी है, नुकरी, इसे नुकरी कहते हैं, सफ़ेद वाइट रंग की। और उसके साथ ही एक दूसरी घोड़ी है, और ये भी घोड़ी है, और ये ज़रा कमज़ोर हैं, लेकिन इनमें से ये जो घोड़ी है ये माशाल्लाह जो है ना काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा और भी इनके पास घोड़ियाँ हैं, ये वाली, तो आइए दिखाते हैं ये घोड़ी। ये ले जी, देखें माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत है। और नाज़रीन ये जो भाई पहना रहा है ना, इसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं तलियारा। ये तलियारा है जो कि घोड़ी को पहनाते हैं ताकि जो है ना वो अपने कंट्रोल में रहें। और ये इसको जवी वग़ैरह, ये जवी वग़ैरह खिला रहे हैं इसे। और उसके साथ ये जो पीछे लगाया होता है इसे कहते हैं पछाड़ी, और ये पछाड़ी लगाई होती है ताकि जानवर अपनी जगह पे वो जो है वो सही खड़ा रहे, और उसकी जो होती है जिस्मानी जिस्मानी फिटनेस के हिसाब से भी ये पछाड़ी लगाई जाती है। अमूमन देखा गया कि पछाड़ी दो पैरों को लगाई जाती है अमूमन, और कई बंदे एक पैर को भी लगा देते हैं पछाड़ी। ये वाली जो रस्सा आपको नज़र आ रहा है इसे बोलते हैं पछाड़ी, एक पाँव की लगाई हुई है, दो पाँव को भी लगाते हैं। और ये आगे रस्सा बांधा हुआ, ये तो आपको पता है कि ये गर्दन को डाला जाता है। तो ये आप पीछे से माशाल्लाह देखें, ये घोड़ों में सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत रंग है वो नुकरा है, सफ़ेद वाइट कलर का। अब मालिक से हम पूछते हैं कि ये भी देसी है, अब मालिक से पूछते हैं कि इनकी उम्र क्या है। और ये तो मुझे ये तो वछेरी है, और फिर भी इनसे पूछते हैं कि इनकी उम्र क्या है। इनके पास और भी घोड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो यार तो चक भी वाट दी है, और निमली वाट दी है, कुछ भी नहीं करती, लंगो कुछ भी नहीं करती, वाट दी। अच्छा वो नवा बंदा आ गया ना, नवे बंदे को थोड़ा कर दे। ठीक है, तो नाज़रीन ये चार जानवर इनके पास हैं, और ये डांस भी करते हैं, और साथ में ये इन्होंने बग्गियाँ भी रखी हुई हैं। ठीक है, और ये देखें मैं आपको बग्गी भी दिखाता हूँ, ये वाली बग्गी है इनके पास, ये शादी वगैरह, और इनमें ये जो है ना इसको चलाते हैं और रेंट पे भी चलाते हैं। और उसके बाद ये भी घोड़ियाँ इनके पास हैं, ये भी खड़ी हुई हैं, और ये भी बग्गी में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी जो है ना ये घोड़ियाँ। ये इनसे पूछते हैं, अच्छा तो इधर तेरा तेरा नाम की भाई तेरा के उस्ताद है चाचा, अस्सलाम वालेकुम जनाब, भाजी की नाम है तुहाडा? अच्छा हफीज भाई, तेरा दसिए इनकी उम्र कितनी की हैगी घोड़ी की? उम्र हैगी है भाई 5 साल। 5 साल जवान हैगी है, ठीक है। तो ये जी है डांस वगैरह कराते जे, तो इस तो अलावा ये बग्गी वगैरह के इस्तेमाल सिर्फ डांस वास्ते है, स्पेशल डांस डांस वास्ते।
ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਸ ਰੂਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0300 460 ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਛੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਤਾਂਦਲਾ ਮੰਡੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਮੀਪੁਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਰ 10 ਦੀ 10 ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਕਾੜੇ ਲੱਗਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂਦਲਾ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਕਾੜੇ ਤਾਂਦਲੇ ਤਾਂਦਲਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮੀਪੁਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮੀਪੁਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਮੀਪੁਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਮਾਡਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੰਡੀਓ ਕਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂਦਲਾ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅਮੀਪੁਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਨਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਯੇ ਨੁਕਰੀ ਗੋੜੀ ਕੈਸੀ ਲਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਮੰਡੀ ਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਆਪ ਗੋੜੀ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਆਪਨੇ ਮੁਝੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਕੇ ਖਾਤਰ ਉਧਰ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਕੋ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਔਰ ਆਪ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਝੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਖਾਤਰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜਾਊਂ ਔਰ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂ ਜਾਨਵਰੋਂ ਕੀ ਘੋੜੋਂ ਕੀ ਔਰ ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜੀ ਨਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।